हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पेट विजन। दिस इज साहिल मलिक, योर होस्ट एंड योर वेट। तो गाइस, अगर आपके डॉग को पार्वो वायरस हो गया है, तो गाइस पार्वो वायरस के दौरान आपने ट्रीटमेंट अपने डॉग का करवाया या आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो हमें अपने डॉग की कैसे केयर करनी है। तो गाइस, टिप नंबर फर्स्ट तो यही है कि अगर गाइस आपके डॉग को पार्वो हो जाता है, तो इमीडिएटली आप वेटनरी डॉक्टर के पास चले जाओ। बिकॉज गाइज, आपके वेटनरी डॉक्टर कुछ फ्लूड्स वगैरह चढ़ाएंगे, बेसिकली जिसमें DNS होगा, जिसमें RL होगा, और एक एंटीबायोटिक के तौर पर मेट्रोजिल होगा। बेसिकली ये IV फ्लूड्स होंगे जो डॉग की बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे और आपके डॉग को सपोर्ट करेंगे, और न्यूट्रिशन को भी डेवलप करेंगे आपके डॉग की बॉडी में, जो कि आपके डॉग की बॉडी की कैपेबिलिटी को इंक्रीज करेगा टू फाइट अगेंस्ट द पार्वो वायरस। और गाइज, इसके अंदर एंटीबायोटिक से कुछ इंजेक्शंस वगैरह भी दिए जाते हैं। टिप नंबर सेकंड ये है गाइज, आपको गाइज ड्यूरिंग ट्रीटमेंट अपने डॉग को खाने पीने को बिल्कुल नहीं देना। अगर वो खाएगा तो वोमिट कर देगा, और अगर उसने ज़्यादा खाया तो लूज मोशन भी उसको ज़्यादा मात्रा में लग सकते हैं। और बेसिकली इसके अंदर तो गाइज ब्लड आपको देखने को मिलता ही मिलता है लूज मोशन के अंदर, यानी जिसको हम डिसेंट्री भी बोल देते हैं। एक गाइज ये ध्यान देना है कि आपको टेम्परेचर से बचा के रखना है अपने डॉग को। अगर ठंड लग रही है तो उसे बचा के रखो, अगर गर्मी लग रही है तो उसे नॉर्मल एक टेम्परेचर पे लेके आओ। तो गाइज ये चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर गाइज आपके डॉग को पार्वो हो गया है, तो उसको आप क्वारंटाइन कर दीजिए। क्वारंटाइन का मतलब क्या है कि आपको खुद से क्वारंटाइन नहीं करना। अगर खुद से करोगे तो आप केयर कैसे करोगे उसकी। आपको अगर आपके घर में कोई दूसरा कोई डॉग है तो उससे क्वारंटाइन कर दो, यानी वो उसके कॉन्टैक्ट में ना आए। बिकॉज पार्वो वायरस बहुत ज़्यादा हाईली कॉन्टेजियस एक डिजीज होती है, यानी बहुत ही जल्दी एक तेज मात्रा में ये फैलती है। अगर एक डॉग को होगी, अगर वो उसके डिस्चार्ज के कॉन्टैक्ट में आ गया या वो फिजिकली टच में भी आ गया, तो वो उसके हो जाएगी। एक गाइस पॉइंट ये है, जो ट्रीटमेंट होता है आपके वेटनरी डॉक्टर के ऊपर डिपेंड होता है कि वो कितने दिन तक चला रहे हैं। बेसिकली जो ट्रीटमेंट होता है 4 से 7 दिन तक चलता है। तो गाइस आपको रेगुलर ट्रीटमेंट करवाना है। आगे जो टिप है गाइस, अगर आपके वेटनरी डॉक्टर आपको कोई पार्वो वायरस का कोई सप्लीमेंट देते हैं कि आपको अपने डॉग को 7 दिन तक ये रेगुलर देना है, तो गाइस आपको रेगुलर ही देना पड़ेगा। एक भी दिन आप मिस नहीं करोगे। अगर मिस कर दिया तो गाइस प्रॉब्लम हो जाएगी। एक पॉइंट ध्यान देना है, आपको अपने डॉग को वाटर बिल्कुल नहीं देना है। पानी पिएगा तो वोमिट भी कर देगा, लूज मोशन भी कर देगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। एक है गाइस, जैसे कि जिसमें वो बाउल वगैरह में वो खाना खा रहा था पहले, और वो जहां वो रह रहा था, जो मान लो वो क्लोथ्स वगैरह यूज कर रहा था, तो आपको उनको भी क्लीन कर देना है, बेसिकली डिसइनफेक्ट कर देना है। कोई भी आप घर में अगर फिनाइल वगैरह यूज कर रहे हो, तो जहां वो रहता है उसको आप एक बार क्लीन कर दीजिए। यानी आपको अपने डॉग को एक हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करनी है। और गाइस आगे टिप जो आती है, अगर आपके डॉग को पार्वो हो गया, तो आपको रेगुलर ही अपने डॉक्टर के पास लेके जाना है। एक भी दिन मिस नहीं करना, बिकॉज गाइस ये बहुत ज्यादा फिट एक डिजीज होती है, इसकी डेथ रेट बहुत ज्यादा होती है, जिसको हम बेसिकली 50-50 रेशियो मान के चलते हैं कि 50-50% हो सकता है कि आपका डॉग बच भी जाए, कि आपका डॉग ना भी बचे। हमें अपने डॉग को बचाना है, तो गाइज ये कुछ केयर है आपको जरूर करनी पड़ेगी। अगर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट के दौरान मान लो कि क्लिनिक में आप चले गए, आप ट्रीटमेंट करवा रहे हो, वो अच्छा है, हेल्दी है, लेकिन घर जाके उसकी तबीयत बिगड़ रही है, तो गाइज इमीडिएटली आप वेट के पास दोबारा ले जाएं उसे, या वेटनरी डॉक्टर को आप कॉल कर लीजिए। बिकॉज बहुत ज़रूरी है चेकअप जो होता है आपका, आपके डॉग को बहुत ज़्यादा नीड होती है एक वेटनरी डॉक्टर की उस टाइम के ऊपर, ठीक है। और गाइज ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टिप्स थी, लेकिन एक स्टार पॉइंट आप बना के ये वाली टिप जरूर नोट कर लो। ये ध्यान रखना है गाइस, अगर आपका आपने अपने डॉग को खुला ऐसे छोड़ दिया, ध्यान रखना है वो कुछ खा ना ले। अगर ऐसी कोई चीज उसने खा ली जो उसको डाइजेस्ट नहीं हुई, प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी, उसकी डेथ हो सकती है। तो गाइस आपको ट्रीटमेंट रेगुलर करना है, जितनी मैंने टिप्स बताई है रेगुलरली उनको आप फॉलो करना है। होप सो आपका डॉग जरूर बच जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच।